हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं खाने की तैयारी करने। तो आज हम लोग यहाँ बनेगा आलू की कचौड़ी बनेगी, तो हम लोगों ने इसकी तैयारी कर ली है। ये देखिए, हमने आलू बॉईल करके मैश कर लिया है, मैश करके रख लिया है। और ये अदरक और हरी मिर्च है, और हरी मिर्च की जगह वो लाल वाली मिर्च थी, हमने वो पीस दिया है जो लाल हो गई थी। और ये कसूरी मेथी है, ये जीरा है तड़के के लिए, और ये अजवाइन डालने के लिए। तो चलिए अब हम लोग तैयारी चोखे को जो है फ्राई करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चोखा तैयार करना। ये तेल डाल देती हूँ मैं, कढ़ाई गर्म हो गई है। तो तेल गर्म हो गया है अच्छे से, अब मैं इसमें जीरा डाल देती हूँ। मैंने जीरा इसमें थोड़ा सा हींग डाल देंगे, हींग अच्छा भी रहता है और टेस्ट भी अच्छा आता है हींग के तड़के से। जीरा थोड़ा सा हो जाए बिल्कुल सपोर्ट बहुत कर देगा। अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक मिर्च का पेस्ट भी डाल दूंगी। आज के कुकर आ रहे तो हमारे यहाँ खट्टा लहसुन के आगे नहीं पड़ता, तो लहसुन हम लोगों ने नहीं डाला है। तो फ्लेम मीडियम कर दूंगी, नहीं तो ये जल जाएगा। इसको हम थोड़ा सा भून लूंगी और थोड़ा कसूरी मेथी डाल देंगे। ऐड करेंगे तो ये हल्दी, फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे, अदरवाइज ये जो है अदरक मतलब जल जाएगा। तो बिल्कुल स्लो रखेंगे। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे। ये काफ़ी हार्ड है, घर पे पिसवाया हुआ मसाला है सारा, तो बिल्कुल हल्का सा यूज करिए। ये हल्का सा किचन किंग ऐड कर देंगे। अब ये भुन गया है, अब मैं इसमें आलू डाल दूंगी, नहीं तो ये और ज़्यादा भूनेंगे हम इसे तो ये जल जाएगा। डाल के इसे अच्छे से मिला देंगे। फ्रेंड्स हमारा बैटर जो है, फ्रेंड्स हमारा बैटर जो है ऑलमोस्ट रेडी हो गया है चोखा। अब इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए हम लोग साइड रख देंगे, तब तक आटा गूंथते हैं, उसके बाद मिलते हैं। जो चोखा था वो सेट हो गया है, मैंने लगभग इसको 15-20 मिनट छोड़ दिया था। अब जो है अब हम इसकी लोई बनाएंगे, छोटी रोटी के साइज की ऑलमोस्ट लोई बनाएंगे, और उसके बाद इसमें फिल करेंगे। हल्का सा सूखा आटा लगा के आलू डाल देंगे, फिर इसको बंद कर देंगे। थोड़ा सा पतला कर दिया है बेल करके जो बनाया था, और तेल जो है हमारा ऑलमोस्ट गर्म हो गया है बहुत अच्छे से। आंच सिम कर देंगे इसको।
एक एक करके इसको गोल्डन होने तक थोड़ा फ्राई कर लेंगे। ये हमारी पूरी रेडी हो गई। तो ये हमारी पूरी तल रही हैं। एक एक करके हम ऐसी सारी पूरियाँ तल लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं आपसे। बाय। हमारी पूरी हो गई है रेडी, तो हमने मम्मी को टेस्ट करने के लिए दिया है। तो मम्मी बताइए कैसी बनी है पूरी। हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आप ठीक होंगे जहाँ भी होंगे। बहुत अच्छी टेस्टी मेरी बहू ने बनाई है और अच्छी लग रही है कचौड़ी, बहुत बढ़िया। आप भी खाइए, आप भी बताइए कि कैसा बना है। और दोस्तों, हमारे जो वीडियो पसंद आए तो आप लोगों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बटन दबाना मत भूलिएगा। आप लोगों की पसंद आएगा तो खूब खुश होकर हमारे चैनल को कमेंट कीजिएगा। जब आप लोगों हमारे चैनल को कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। आप लोगों की मैं खूब तारीफ करती हूँ कि हाँ, आप लोगों कमेंट करते अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। फैमिली मेंबर जो है इनको बहुत जोर से भूख लगी है, ये भी आए खाना खाने के लिए। सर चेयर पे ही खाना है, चेयर पे ही बैठी है। तो इनकी बड़ी मम्मी इनके लिए खाना लेके आई है। इनका रिएक्शन देखते हैं कैसा होता है। ओहो, गरम गरम दे दिया। बड़ी मम्मा तोड़ तो दो इसको, बच्चा कैसे खाएगा। दादी बाबू, बुक्कू कैसा है? बुक्कू कैसा है? यम्मी है? ओहो, इधर तो देखो, इधर तो देखो, अच्छा है? हाँ। कैसा है? अच्छा। ओके, हेलो तो बोलो सबको। बुक्कू हाथ से, हाथ इधर इधर इधर। हाय। अच्छा, अब बाय कर दो, अब आप अपना डिनर कर लो, बाय करो सबको। बाय कर दो बुगू।